सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने ओछी राजनीति की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने दलित पंचायत प्रतिनिधि के साथ मारपीट कर अमान्य कार्य किया है। पुलिस प्रशासन उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा झामुमो आंदोलन करने को बाध्य होगा। श्री दुबे शनिवार को पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह बातें कही। श्री दुबे ने कहा कि गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा किए जा रहे विकास कार्य से पूर्व विधायक घबरा गए हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे गलत बयानबाजी करना, गलत फेसबुक पोस्ट करना, दलित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मारपीट करना इत्यादि ओछी राजनीति पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के शोभा यात्रा में किसी के साथ मारपीट करना उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। पंचायत समिति सदस्य शंकर राम ने मंत्री श्री ठाकुर के विकास कार्य से प्रभावित होकर भाजपा छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इसी बौखलाहट में उन्होंने मारपीट कर दी। श्री दुबे ने कहा कि चुनाव हारने के बाद उन्हें इतनी मानसिक स्थिति खराब नहीं कर लेना चाहिए कि कुछ भी करने पर उतारू हो जाए। 10 साल का विधायक रहा व्यक्ति यदि पंचायत समिति सदस्य के साथ मारपीट करे तो यह गढ़वा सहित पूरे झारखंड के लिए चिंता की बात है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, विधायक प्रतिनिधि असरफी राम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। लंका में रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था। कंचनपुर के पंचायत समिति सदस्य के साथ पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के द्वारा कुछ बातों में कहा सुने हुए। पूर्व विधायक जी अपना अपन खो बैठे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय विधायक माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के विकास के कार्य को देखकर के घबरा गए हैं और वह जो पंचायत समिति सदस्य थे पूर्व में भाजपा के ही थे, लेकिन आज माननीय मंत्री के कार्यकलाप से प्रभावित होकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम चुके हैं। इससे आक्रोशित होकर के पहले तो आप जो भी देखे हैं कि तरह तरह के बात बोल करके हंसाना लुभाना, जिस तरह से मदारी अपना खेल कर दबाने के लिए कुछ बोलता है तो मीडिया में जाता है, लेकिन अब उससे भी आतुर होकर के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी अब जुबान को तो चला ही रहे हैं, हाथ भी चलाना शुरू कर दिए हैं। इसी ऐसी करतूत से वो बाज आवे और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, कोई अकेला या घटना नहीं है, सरेआम रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था। अब दूध के दूध और पानी का पानी करें। जो लोग दोषी हैं अपने बचने के लिए केस में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से झूठा मुकदमा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जैसे विश्वत्री के जिला उपाध्यक्ष जी हुए, कार्तिक पांडे जी हुए, प्रखंड के अध्यक्ष हैं हमारे जेएमएम के आशीष गुप्ता जी, उन पर अपने इस केस में बचने के लिए एक काउंटर केस भी करा है। तो मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि आप इस घटना को पूरी तरह जांच करें और दूध का दूध पानी करें। जो भी व्यक्ति जितना बलवान हो शक्तिशाली हो अगर वह दोषी है तो उस पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की बखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब बयानबाजी से वो मारपीट में उतारू हो गए हैं। रामनवमी के दिन की घटना है, रघुनाथ अखाड़ा के नेतृत्व में रामनवमी की जुलूस में शंकर राम जी शामिल थे और शंकर राम जी उस जुलूस में बाकी अन्य राम भक्त के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तभी अचानक पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जो जुलूस में शामिल पूर्व से थे उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि तुम पहले भाजपा में थे और तुम झामुमो में शामिल हो गए, फिर से भाजपा में शामिल हो जाओ। और इसी बात को लेकर शायद उन्होंने किसी तरह की अभद्र टिप्पणी की और इसको लेकर जो शंकर राम जी की तरफ से भी जवाब दिया गया और इस घटना को मारपीट में घटना को बदल दिया गया और एक चुने हुए पंचायत समिति सदस्य को मारना और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद जनप्रतिनिधि 10 साल रह चुके हैं, यह अशोभनीय है, अमानवीय है और इससे रंका सहित पूरे गढ़वा जिला क्षेत्र के लोगों में पंचायत समिति सदस्यों के बीच आक्रोश बना हुआ है। इस तरह की अशोभनीय घटना को अंजाम देना
और उनके समर्थक तो पहले करते ही थे, किसी भी अश्लील पोस्ट करना, गलत बयानबाजी करना, अपशब्द का प्रयोग करना, लेकिन ये विकास कार्यों को देखकर इतनी बौखलाहट बढ़ गई कि अब मारपीट पर उतारू हो गए, धमकी देने और गुंडा राज पर उतारू हो गए। ये दर्शाता है कि ये गढ़वा को की राजनीति में लोकतंत्र को खत्म कर यहाँ पे तानाशाही जो अपने शासनकाल में इन्होंने चलाया था, कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आते देखकर फिर से ये बल प्रयोग और बाहुबल के दम पर कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जब इसके खिलाफ शंकर राम जी ने इनके खिलाफ रंका थाना में आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की, उन्होंने बताया कि मेरे साथ मारपीट की गई, उनके अंगरक्षक उनके समर्थक भी उनके साथ मारपीट किए, उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनको और उनके साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। जब ये घटना घटी तो जानबूझकर अपने मामला को दबाने के लिए इन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को भेजकर और झूठा केस यहाँ के विश्वत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऊपर कराया है। लेकिन जो घटना उन्होंने उस जुलूस में हजारों सैकड़ों लोगों के बीच की है, ये जुलूस के हर एक आदमी ने देखा है।